अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। व्यूअर सर, जो आज हम आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रहे हैं, और वो भी कमाल की, जिससे आपकी मर्दाना कमज़ोरी, बालों का गिरना और बाल जो वक़्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, उसके लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही आजमूदा नुस्खा इंशाल्लाह शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो क्या है व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे फूल मखाने के, आपने बहुत देखे होंगे जो कि पंसार से भी मिल जाते हैं, उसका क्या तरीका कार है फूल मखाने, मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यूअर्स, ये फूल मखाने मेरे पास तो बिल्कुल पंसार से आसानी मिल जाते हैं, ठीक है, ये पंसार से आसानी मिल जाते हैं, ठीक है, ये 100 ग्राम। जी तो व्यूअर्स, तरीका कार ये, हमने आधा किलो हमने लिया दूध, यानी कि 500 ग्राम, ये फुल फैट दूध है, डब्बे वाला दूध नहीं है, ये खुला दूध है। इसको हम जैसे आम तौर पे घरों में हम इसको जोश दिलवाते हैं, उबालते हैं, वैसे आपने इसको उबाल लेना है। इसको उबाल के इसमें क्या करना है वो आप मुकम्मल देखें। चूल्हे पर हमने रख दिया दूध, इसको हमने करना है गरम, गरम करके अच्छा जोश दिलवाना है इसको हमने, ताकि ज़बरदस्त जो हमारी रेसिपी तैयार हो जाए, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके के साथ हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो है ये। वीकनेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो दूध को हमारा जोश आ गया, अब हम इसमें शामिल करेंगे फूल मखाने। फूल मखाने जो मैंने आपको दिखाया था वो सारे इसमें शामिल नहीं करने, इसमें हमने सिर्फ थोड़े से शामिल करने हैं, 15 से 20 दाने, आधा किलो दूध है ये, ठीक है, इसमें 15 से 20 दाने शामिल करके नीम गर्म दूध में आपने शामिल करने हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें शहद शामिल कर लें, वो अच्छा है, अगर आपने जायका का टेस्ट बढ़ाना है तो आप इसमें शहद या चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसला नहीं है। 1 चम्मच के करीब हमने इसमें शामिल कर दी चीनी, इसको घोल देंगे अच्छे तरीके से, मिक्स कर देंगे इसमें, इंशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके के साथ जो वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी है ये, बहुत शानदार तरीके कार के साथ ये बता रहा हूँ आपको मैं। और मखाने जो हमारे थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए, अब नीम गर्म दूध में डालेंगे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, पहले ये कड़क होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, इसे सॉफ़्ट होने चाहिए, आपने मखाने चबा लेने, ऊपर से दूध पी लेना है, और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी ये भाई तैयार हो जाएगी।